भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संसद में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के मूल बीजेपी और अन्य प्रकोष्ठाओं के माध्यम से विभिन्न अभियानों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज हमें ये कहने में प्रसन्नता है कि हम लोग भारत निर्वाचन आयोग में एक लोकतांत्रिक दल के रूप में हमारी पार्टी अपनी को प्रस्तुत करती है। उस रूप में जनता से सीधे जुड़ाव रखते हुए विभिन्न हक अभियान हम लेकर आ रहे हैं। अभी हाल ही में पार्टी ने पिछले दिनों बूथ समिति अभिनंदन और कमल संदेश यात्रा का कार्यक्रम दिया, जो कार्यक्रम अपने आप में उत्तर प्रदेश में बहुत रिकॉर्ड स्तर के कार्यक्रम के रूप में सफल हुए। अब हम 1 से 15 दिसंबर तक महात्मा जी की 150वीं जयंती पर प्रति विधानसभा में 6 टोलियों में 25-25 की टोलियां बनाकर न्यूनतम अधिकतम चाहे जितने भी हो जाएं प्रति विधानसभा में 150 किलोमीटर की पद यात्रा करके गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए जनता से जुड़ेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस समय आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पार्टी के मूल बीजेपी और जो उसके मोर्चे हैं प्रकोष्ठ उनके माध्यम से विभिन्न अभियानों को लिए हुए आज उसी अभियान के क्रम में मेरा यहाँ आना हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक जो मुख्य फ्रंट है युवा मोर्चा, उसके युवा संसद आज हमें कहने में प्रसन्नता है कि हम लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में जो एक लोकतांत्रिक दल के रूप में जिस रूप में हमारी पार्टी अपने को प्रस्तुत करती है उस रूप में जनता से सीधे जुड़ाव रखते हुए विभिन्न अभियान हम लेते जा रहे हैं। अभी हाल में पार्टी ने पिछले दिनों बूथ समिति अभिनंदन और एक कमल संदेश यात्रा का कार्यक्रम दिया, जो कार्यक्रम अपने आप में उत्तर प्रदेश में बहुत रिकॉर्ड स्तर के कार्यक्रम सफल हुए। अब हम अभी 1 से 15 दिसंबर तक महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के वर्ष पर प्रति विधानसभा में 6 टोलियां 25-25 की टोलियां बना के न्यूनतम अधिकतम चाहे जितने हो जाए प्रति विधानसभा 150 किलोमीटर की पदयात्राएं करके गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आम जन समाज से हमारी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जनता से जुड़े हैं। इसके बाद हम लोग जनवरी माह में 26 जनवरी 70 वर्ष की जो गणतंत्रात्मक भारत की प्रगति यात्रा है उसमें हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने और राज्य की योगी सरकार ने लोक कल्याण के जो काम किए हैं उन लाभार्थियों के घरों पर बीजेपी गवर्नमेंट ने आपके घर पर जो विकास किए हैं आपके उन गरीब दलित अति दलित पिछड़े अति पिछड़े सामान्य वर्ग के गरीब सभी के घरों पर कमल ज्योति दीपक जलाने के कमल ज्योति विकास यात्रा लेके हमारे लोग पहुंचे। ये हम अभियान लेके लोकतंत्र की जो पहली जिम्मेवारी होती है कि जनता के लिए जनता से और जनता की सेवा में चुना हुआ लोकतंत्र भाजपा सही अर्थों में अपनी सरकारों के माध्यम से चरितार्थ कर भारतीय जनता आपके मन में ये प्रश्न उपज सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन शासकीय योजनाओं में स्वयं नीचे तक जाने के काम में क्यों इतना उपक्रम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी तंत्र तो अपनी जिम्मेवारी के तहत वो काम करता है सरकार की योजनाओं को नीचे पहुंचाने, कुछ उसे मात्र अपनी ड्यूटी समझते हैं तो एक सीमित दायरे तक नीचे पहुंचा पाते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी विवेकशील और बड़े उत्साही होते हैं तो उन योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं, लेकिन शासकीय योजनाओं में जन सहभागिता जब जुड़ जाती है तो
दो योजनाएं बहुत अच्छे अर्थों में सफल होती हैं। और आज भी यद्यपि साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी देश के अंदर गाँव में, कस्बों में, नीचे के वार्डों में अभी अशिक्षा और है, कहीं कहीं जागरण जागरूकता की कमी है। तो इस नाते हमारी राजनीतिक पार्टी की इकाइयाँ, हमारे दल के लोग इस काम में एक सहयोगी की भूमिका अदा करते हुए, जिसके लिए जनता ने जनादेश दिया नरेंद्र मोदी जी को, उस जनादेश को संपादित करने में पार्टी की इकाइयाँ भी अपना योगदान दे रही हैं। और उसी क्रम में आप सबका सहयोग इन अभियानों में अपेक्षित है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, माननीय योगी जी का बयान, किसी भी बयान को पूरे संदर्भ के साथ देखना चाहिए। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि बयान को टुकड़े में देखते हैं। उन्होंने भगवान राम के समय के कालखंड का वर्णन करते हुए, सभी गरीब गुरबा कौन नहीं जानता, रामचरितमानस का जो भी कथावाचक हम सबसे पहले उल्लेख करते हैं कि नर बानर संगति भाई कैसे, यह सभी लोग पूरा रामचरितमानस भरा पड़ा है, कैसे सबरी उसमें जुड़ती है, कैसे नल नील अंगद जुड़ते हैं, कैसे कोल भील जुड़ते हैं, ये सब जुड़कर के तब रामायण की पूर्णता होती है। उसमें हनुमान एक मुख्य किरदार है, तो उसका उन्होंने सभी को जोड़ने के व्यापक अर्थों में उल्लेख किया। उसकी गलत व्याख्या की गई, यह उचित नहीं है। और थोड़ा राजस्थान के मौसम में आजकल गोत्र ओत्र का खोज हो रही है, इसलिए लगता है कहीं किसी के दिमाग इस पर चल गया, योगी जी ने सारे समाज को जोड़ने की बात की। यही दुर्भाग्य है, बीजेपी जातियों के ऊपर सियासत नहीं करती, बीजेपी विकास के ऊपर सियासत करती है। बीजेपी विकास कर रही है, विकास को फोकस कर रही है। हाँ, विकास के लिए जो दलित वंचित, अति दलित, अति पिछड़े, पिछड़े और सामान्य वर्ग के भी गरीब जो उस विकास की किरण से छूते हैं, वो हमारी राजनीति के, हमारी सेवा के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। और यही पार्टी की नीति और रीति है। अभी तो भारत में गोत्र की जो परंपरा है वो पुरुष परंपरा से, और उनके जो दादा थे वो जहाँ तक मेरी जानकारी है श्री फिरोज गांधी जी थे। तो फिरोज गांधी के साथ जोड़ने पर तो विषय ये जुड़ता है कि वहाँ गोत्र नाम की चीज़ ही नहीं है। अब रह गया कि उनको अगर मुझसे सलाह लेनी हो तो मुझसे मिलें, संपर्क करें। अगर वो नानी पक्ष पर जाते हैं तो नानी श्रीमती इंदिरा जी मोतीलाल कौर की नतनी तो बाद में आती है, पहले तो उनकी माँ आएंगी सोनिया। तो गोत्र उनका मैं व्याख्या कर सकता हूँ, इटलस्थ गोत्र हो सकता है अगर नानी पक्ष में जाते हैं, वरना उनके गोत्र, उनके पास गोत्र है ही नहीं। लेकिन दुख का विषय है कि कांग्रेस ने बहुत से घोटाले किए, गोत्र घोटाला भी कर सकती है, इसकी कल्पना आप इसको इस अर्थ में लें, 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है। उस पिछड़ों में अनेक बार इसी प्रकार से दलितों में, संसद में एक नहीं पूरी एक रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, क्रिमी लेयर के बाहर, क्रिमी लेयर से वंचित, क्रिमी लेयर से परिपूर्ण, इन बासों से देश का सर्वोच्च न्यायालय में रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। हमारी राज्य की सरकार ने एक समिति बनाई इन विषयों पर अध्ययन करने के लिए कि आरक्षण रियल जिनको लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, आरक्षण लाभ जिन जिन जातियों को मिलता है बिना उन्हें कोई कष्ट दिए, जिन जातियों को आरक्षण का लाभ है, जो जातियां चिन्हित हैं हम उनको कोई बाधा नहीं डाल रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से, संवर्गों में से अशिक्षा, अति पिछड़ेपन, अति दलित होने के कारण जो वंचित हैं उनको भी आरक्षण की किरण मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने समिति बनाई। समिति की रिपोर्ट आई है,
रिपोर्ट जहाँ तक मेरी जानकारी प्रस्तुत हुई है उस पर सरकार की टीम परीक्षण करेगी और आरक्षण पाने वाली जातियों को बिना कोई कष्ट, बिना कोई भेदभाव के वह उस पर समाधान करने की कोशिश करेगी। हम कोई नया स्वरूप नहीं पैदा कर रहे हैं, जो प्राप्त है उसी की एक व्याख्या का विषय बना था। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, क्योंकि जन की बात आप कर रहे हैं, 2014 में वे सारे पिछड़े बीजेपी के साथ थे, 2017 में सारे वो पिछड़े बीजेपी के साथ थे, 2017 में भी थे और 2019 में रहने वाले हैं। हम पिछड़ों में कोई भेद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी की तरफ से और बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, केवल हम उनको कि कुछ ऐसे घटक अभी भी रह गए हैं वंचित, जिन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है, उन तक लाभ कैसे पहुंच जाए शीघ्र, इतने भर की हमारा उद्देश्य है। इसमें और कोई जाति राजनीति नहीं, मेरा बयान इसमें पहले भी अनेक बार आया, आज भी सुस्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में 1989 में प्रस्ताव पारित किया हिमाचल में, आज भी उस प्रस्ताव पर पूरी तरह कायम है और राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है, प्रतिबद्ध है। अब राम मंदिर निर्माण के लिए विषय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने फैसला दे दिया है, राम मंदिर वहाँ है, उसकी स्वामित्व और भू संवर्ग विभाजन आदि पर पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हम आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जनवरी में, यद्यपि कष्ट हम सबको भी है कि उन्होंने इतनी लंबी डेट दी, जनवरी में उस पर निर्णय देगा। राम मंदिर निर्माण तो होना ही होना है, अब तो इसका कहीं प्रतिरोध नहीं है, तो उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा। इस परिस्थिति में हम लोग हैं, नहीं तो संभावनाएं अनंत बनी हुई हैं। भाजपा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सदैव है। हाँ, रह गया, मेरी पार्टी उस मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ी है, विकास और सेवा हमारा मुद्दा है, उस पर चुनाव में जा रहे हैं। राम मंदिर हमारी आस्था श्रद्धा का विषय है, यह स्टैंड पार्टी का क्लियर है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सरकार ने शिक्षक भर्ती में कहीं कोई विरोध नहीं कर रही है और शिक्षक भर्ती में उसने जितना त्वरित कार्रवाई घोटाले पर की है कोई लीपापोती नहीं की है, और इतना किसी सरकार में रिकॉर्ड नहीं त्वरित कार्रवाई करने का। आपको पता है कितने अधिकारियों को कार्रवाई हो गई, प्रदेश के केंद्र में बैठे हुए अधिकारी से लेकर के और जितने उसमें बीएससी संलिप्त थे सबके ऊपर कार्रवाई हुई। अरे इसी यही तो घोटाला हुआ, तो इसमें कार्रवाई हुई। निर्माण का समर्थन है, रास्ते अनंत हैं, संभावनाएं अनंत हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी संभावनाएं बनेगी भाजपा उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने सुचिता साफ सुथरी राजनीति में की पक्षधर है, उस पर कायम है और सदैव कायम रहेगी, सदैव कायम रहेगी। मैंने कहा ना, साफ सुथरी राजनीति, सुचिता संगठन के और शासन के स्तर पर, इसका इतना उल्लेखनीय रिकॉर्ड भाजपा के पक्ष में, उस पर कायम रहेगी।